दिल्ली में ISIS के आतंकी के पकड़े जाने के बाद उसके खुरासान मॉड्यूल से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है। स्पेशल सेल की शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकी को इस्लामिक स्टेट के कमांडर्स अफगानिस्तान से कंट्रोल कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार ISIS ऑपरेटिव को इस्लामिक स्टेट द्वारा खुरासान प्रांत के कमांडरों द्वारा अफगानिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था और वह भारत में आतंकी वारदातों की योजना बना रहा था। वह कश्मीर की IS संस्थानों के संपर्क में भी था। इसके साथ ही वह ISIS ऑपरेटिव इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रांत के संचालकों के साथ साइबर स्पेस के जरिए भी संपर्क में था। खुरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में यह अफगानिस्तान व सीरिया के बीच का हिस्सा है। यहाँ ISIS के अलावा अन्य आतंकी संगठनों की विचारधारा से जुड़े संदिग्ध युवकों की तादाद भी पिछले कुछ वर्षों से तेजी से बढ़ी है और ये एशियाई मुल्कों में अपना नेटवर्क स्थापित करने की कवायद में जुटे हैं। पहले भी खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मुहैया कराया था कि दिल्ली खुरासान मॉड्यूल के सदस्यों के निशाने पर है। ISIS के खुरासान मॉड्यूल को खुरासान ग्रुप नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रुप में अलग विचारधारा रखने वाले आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरिया खुरासान से चलाया जाता है। हालांकि खुफिया इकाइयों की माने तो इस ग्रुप के पास अभी बहुत कम लड़के हैं। केरल से जो 21 लड़के गायब हुए थे उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि उन्होंने ISIS के खुरासान मॉड्यूल को ही ज्वाइन किया है। बता दें कि ISIS खुरासान का यह मॉडल 2012 में बनाया गया था।